सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए उनके हमलावरों ने कितनी तैयारियां की थी, चलिए इस रिपोर्ट में आपको ये बताते हैं। दरअसल हमलावर पिछले कई महीनों से सिद्धू के घर के बाहर रेकी तो कर ही रहे थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हट जाने के बाद उनके घर के आगे से कई गाड़ियां लगातार गुजरने लगी थी। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू पर हर खबर इकट्ठा की गई थी कि वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। इतना ही नहीं, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो कि जान लेने से 8 मिनट पहले की है। ये पंजाब मनसा के जवाहर के पिंड की सीसीटीवी फुटेज है, जहां पहले सिद्धू मूसेवाला की थार जाती है, उसके बाद एक कोरोला की शायद थार का इंतजार कर रही थी, वो थार के पीछे जाती है। कोरोला के बाद जेलो और जेलो के बाद बोलेरो। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गाड़ियों में हमलावर आए थे। हमलावरों ने ये भी अच्छे से देख लिया था कि कौन सी रोड पे सीसीटीवी है और कौन सी रोड पे नहीं। जिस रोड पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उस रोड पर ही सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया। वहीं जिस रोड पर सीसीटीवी कैमरा था, उस रोड से ये तीन गाड़ियां सिद्धू की थार का पीछा करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, तीन गाड़ियां, 30 से ज्यादा गोलियां और 8 गोली अकेले सिद्धू मूसेवाला को लगना। सिद्धू की हर जानकारी से लेकर सीसीटीवी कहां है कहां नहीं, इस इंफॉर्मेशन तक हमलावरों ने पूरी तैयारी के बाद सिंगर मूसेवाला पर अटैक किया था। फाइनल कॉल, न्यूज डेस्क।